दोस्तों आज हमारे सामने महिंद्रा की ई अल्फा मिनी है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में बन रहे हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक है, आप जानते हैं डीजल पेट्रोल और सीएनजी का रेट लगातार बढ़ते जा रहा है, तो अब जो है जो गाड़ियां आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक वाली है। ये अल्फा ई मिनी है, यहाँ पर जैसा कि मिल जाएगा ये सबसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला विंडो मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर टिम लैम्प मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर के साथ, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट के साथ ही। दोस्तों बम्पर मिल जाएगा ये वाला, और इसके कमानी मिल जाते हैं, लीफ स्प्रिंग कमानी जो है मिल जाएगा इसमें। और इसका मोटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मोटर जो है 1000 वाट की 2 HP की मोटर है। और इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बैटरी यहाँ पर होती है, बैटरी दोस्तों 4 बैटरी है, 12 वोल्ट की 48 वोल्ट का बैटरी है, और जो 6 से 7 घंटे में चार्ज हो जाती है, और 80 से 85 किलोमीटर की रेंज में मतलब चलती है। दो जने मतलब यहाँ बैठ सकते हैं दोस्तों, मतलब दो व्यक्ति बड़े आराम से यहाँ पर कंफर्टेबली मतलब बैठ सकते हैं, और दो व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब 4 लोगों के लिए बहुत सही है ये ई रिक्शा, महिंद्रा का ई रिक्शा है दोस्तों। ये हुक मिल जाते हैं पकड़ने के लिए बैठ कर के जो पकड़ेंगे उनके लिए। बॉडी की जो क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया बनाया गया इसको, शानदार ये वाला भी ऊपर से मिल जाएगा, ऐसा दिखता है पूरा ऑल ओवर, ऐसा इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। और दोस्तों ये है ड्राइवर वाला सीट, इसमें भी बड़े कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी मतलब ड्राइवर के साथ भी एक व्यक्ति मतलब बैठ सकते हैं, बन जाएगा बैठने के लिए यहाँ पर पूरा। दोस्तों सामने आ जाते हैं, तो ये रिक्शा वाली रिक्शा की तरह ही मतलब चलाएँगे, इसमें जो है ये आगे वाला ब्रेक नहीं रहेगा। और साथ ही दोस्तों इधर आ जाते हैं, तो इसका ब्रेक जो है यहाँ पर दिया गया है, ये वाला ब्रेक है पीछे वाला ब्रेक, और ये हैंड ब्रेक हो गया पार्किंग ब्रेक, और इसको पकड़ के मतलब इसको क्लच और ब्रेक एक ही साथ है इसमें, मतलब इसको पकड़ के ऑन करेंगे ऐसे क्लच से। ये लो पे चलने के लिए, मीडियम पे चलने के लिए, हाई पे चलने के लिए है। इसकी हाई स्पीड दोस्तों 25 से 27 के बीच में है। और दोस्तों ये रिवर्स करने के लिए और ये फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, और इंडिकेटर और हॉर्न का हो गया, अपर डिपर लाइटिंग यहाँ पर जो है मिल जाएगा दोस्तों। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी ये डैशबोर्ड है, ये पूरा अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम जो है दोस्तों ऐड करा सकते हैं उसके लिए। ये लाइट के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाइपर वॉशर के लिए मतलब ये वाइपर जो लगा हुआ है उसके मतलब ये पूरा स्क्रीन ये कांच को मतलब क्लीन करेगा। और दोस्तों उसके साथ ही यहाँ पर वो आरवी मिल जाते हैं, ये मैन्युअली इनको एडजस्ट करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों नीचे आ जाते हैं, तो काफ़ी स्पेस जैसा कि यहाँ पर मिलता है, उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा महिंद्रा का कॉम्प्लेंस प्लेट, मॉडल का नेम, टाइप, अप्रूवल नंबर, VIN, GBW मतलब कितना वेट है, मैक्स परमिटेड फॉर FAW 230, मैक्सिमम परमिटेड रॉ 540 मतलब KG की मतलब खींचने की क्षमता रखती है, मोटर ID, कस्टमर, और उसके साथ दोस्तों कंट्रोल ID सब मतलब जानकारी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों सामने से कुछ इस प्रकार से दिखती है महिंद्रा की ई रिक्शा, यहाँ पर ई अल्फा मिनी मिल जाएगा देखने के लिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आ जाए तो रिफ्लेक्टर वाला हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाएंगे, उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी मिल जाएगा इंडिकेटर हाइलोजन वाला, और यहाँ पर ही मिल जाएगा। और इसका टायर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो टायर जो है 4/50/10 मतलब आगे जो है 4/50/10 के टायर मिल जाते हैं, काफ़ी चौड़े टायर मतलब चौड़ाई है इसकी, 10 इंच के टायर मिल जाएंगे, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस जो है दोस्तों बढ़ जाता है। और इसका पीछे वाले टायर के देखते हैं लें तो यहाँ पर 12 इंचेस के टायर मिलते हैं दोस्तों, 90-90-12 मतलब 12 इंचेस के यहाँ पर और 10 इंचेस के यहाँ पर। और दोस्तों इसकी ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं, तो 1,80,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। अगर आप डाउन पेमेंट जमा करके मतलब ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो 50,000 रुपये डाउन पेमेंट जमा करके खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। पार में जो है 80 किलोमीटर की रेंज में चलती है, 6 से 7 घंटे चार्ज करेंगे, बैटरी जो है पानी वाला है इसमें, और इसकी चार्जिंग करने के लिए 4 से 5 यूनिट खर्चा आता है, 4 से 5 यूनिट का खर्चे का मतलब मान लीजिए 40 रुपये में दोस्तों आप 80 किलोमीटर चलाएंगे, आप 80 किलोमीटर चलाने के लिए डीजल जो है 3 लीटर तो कम से कम डलाएंगे ही ऑटो में, लेकिन इसमें जो है 300 रुपये ना डला करके मात्र 40 रुपये में दोस्तों आप इसको जो है चला सकते हैं, मतलब कि सीधे सीधे 250 रुपये का आपकी मतलब बचत होगा, मतलब बहुत सारी बचत होते हैं ई रिक्शा के। और इसका सर्विस का कॉस्ट आपका बच जाएगा, सर्विसिंग का, और
मेंटेनेंस का खर्चा जो है दोस्तों कम आता है इसमें, इसलिए आप जो है यही वाला गाड़ी खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें। और पूरा जानकारी हमने यह वीडियो में लगभग दे दिया है।